प्रथम तहलका न्यूज। कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस कहावत की वानगी देखने को मिली फतेहाबाद के रतिया में, जहां रतिया से जाखल जा रही हरियाणा रोडवेज की बस कमाना मोड़ के पास खेत में पलट गई, जिसके चलते बस में सवार करीब आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक मोड़ पर सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करने के चक्कर में बस का संतुलन बिगड़ गया और रोडवेज की यह बस नीचे खेतों में जाकर पलट गई। बस के नीचे गिरने का धमाका सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसी सवारियों को बाहर निकाला और उन्हें सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया। ये रतिया से चली थी 5:15 बजे, जाकरदा लास्ट टाइम ले गया। अरे जब कमाना है लवे पहुंची तो आगे से कोई ट्रैक्टर आ गया, उसके साइड लैंड लग रहा है, रोड भीड़ा थी। जब थोड़े साइड दब गई ट्रैक्टर वाले थे कि थोड़े साइड में कच्चा रास्ता है, कच्चे करके पैर दब गया और गाड़ी खींच के ले गई। कितनी सवारियाँ थी, सवारियों को क्या नुकसान हुआ? सवारियाँ तो कोई ज़्यादा वो नुकसान नहीं है, 4-5 तो टूट लगी है, नॉर्मल सर। सवारियाँ कितनी थी? 45-50 दे लगे। उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया? हाँ जी, हॉस्पिटल में प्राइवेट साधन भिजवा दिया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 45 सवारियां थी, जिनमें से आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। गनीमत तो ये रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।